अभी हम बात कर रहे थे अमरावती के समाचार पत्र समूह की, जिन्होंने अमरावती में उजागर हो रहे थे घोटाले के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। दोनों आमदारों की मध्यस्थता, राव साहब शेखावत की मध्यस्थता, आमदारों का इस मामले में बीच में बोलना, और कुल मिलाकर जैसे थे वैसे की स्थिति में वापस घोटाला ये उजागर होने के पहले, आज भी सारी चीज कंफ्यूजन है। क्योंकि ये जो आमदार रवि राणा और शेखावत जी दोनों ने जो भी किया हो, कुछ समय के लिए बिल्डर्स लोगों को भी राहत मिली। दोनों विधायक के लिए भी मुझे अभी दो लाइनें मिली हो तो मैं बोलना चाहूंगा। संभल कर जरा पांव रखिए जमी पर, गौर कीजिएगा, संभल कर जरा पांव रखिए जमी पर, अगर चाल है बिगड़ी तो बिगड़े का चलन भी है, चाल है बिगड़ी तो बिगड़े का चलन भी। आइए, हम सारी चर्चा अभी कर चुके और आगे इस भ्रष्टाचार का, इस घोटाले का, जो हुआ हो नहीं हुआ हो, उसका क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। आमदार रवि राणा कहते कि अभी भी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो हर बार हम अधिकारियों पर कार्रवाई करके दंड वसूल कर लेते हैं, लेकिन उसका जिन्होंने आज तक नुकसान उठाया है, जिसका उस चीज के लिए भुगतान किया है, उस जनता का क्या। बात जब जनता की आ रही है, आप जनता के हित में कार्य कर रहे हो, तो जनता के हित में कार्य यही है कि जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जिन अधिकारियों ने और जिस डेवलपर ने, यदि यह भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं इस बात को बार बार आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि, क्योंकि मैं अभी भी किसी चीज में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हूं कि यह भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जांच समिति बताएंगी, उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनके विषय है किस नियम में बैठता है नहीं बैठता है। यदि हुआ है तो 35 एकड़ की वैल्यूएशन 200 करोड़ नहीं, हम 50 करोड़ ही मानते हैं। 50 करोड़ का भी यदि घपला होता है तो यह 50 करोड़ की रिकवरी अधिकारी वर्ग और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जितने भी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स थे, सबके कहीं ना कहीं आज भी जमीन के व्यवसाय चल रहे हैं। सरकार उनसे ये 50 करोड़ वसूल कर सकती है यदि घोटाला हुआ है, तो आप क्यों छोड़ते हो आज तक का, वो 50 करोड़ लो लगा दो किसी अच्छे कार्य में, या उन लोगों को दे दो जिन को ये सब चीजें भुगतने पड़ी, जिनको ओपन स्पेस नहीं मिला, जिनको समाज मंदिर नहीं मिला, जिनको बगीचा नहीं मिला, जिनको खुली स्पेस नहीं मिली, जिनको हवा नहीं मिली, जिनको पानी नहीं मिला। बहुत डेवलपमेंट होता है 50 करोड़ में, एक एक घोटाले का उठा के, हम घोटाला उठाते हैं सरकार के खजाने में जमा कर देते, सरकार में कई भ्रष्टाचार होते, खजाने कई चले जाते। तो बेहतर है कि ऐसे घोटाले से जो रकम वसूल होती है उसका कोई सही जगह पर नियोजन हो। यदि आप ऐसा कार्य कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर अमरावती नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में आप लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि कुछ विधायकीय कार्य ऐसे भी हुए, और आप कर सकते हो ये, क्योंकि आपके अमरावती का पैसा है, आपके मतदार क्षेत्र का पैसा है, आपके मतदार क्षेत्र का घोटाला है, आपके मतदार क्षेत्र के लोगों के लिए है, तो निश्चित है कि यह पैसे का उपयोग भी यही होना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। यदि यह घोटाला हुआ है और ऐसा है तो, अब इस मामले में हमने अभिजीत अड़सूल से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, एक जनप्रतिनिधि जो होता है, दो शब्द ऐसे हमेशा उसके दिमाग में रहते कि गरीब जनता आम जनता, गरीब जनता आम जनता, हर काम वो आम जनता के लिए, आम जनता आखिर क्या। उन्होंने भी यही कहा कि आम जनता का इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, यदि आम जनता का नुकसान होता है इसमें तो ऐसे मामले में हम वो साथ में नहीं है, हमने प्रश्न रखा है चर्चा के लिए, लेकिन आम जनता का नुकसान होता है, आम जनता का नुकसान हो, यानी बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को, या इस जो प्रश्न उठाया, ये जो कदम उठाया, उस कदम को वहीं रोक कर पिछड़ जाना है। क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तरह तो जाएगी,
कोई ऐसा तो नहीं है कि बात निकली और वहीं पे रुक गई। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कि भाई यदि इसमें जनता का नुकसान होता है तो ऐसा मामला नहीं रखना। देखिए क्या कहते हैं वो भी। अभी आपने सुना कैप्टन अभिजीत वर्सुल को, स्पष्ट रहा है उनकी भी, हर आदमी आज जनता, हर जनप्रतिनिधि जनता के सामने रहना चाहता। कारण यह है, 6 महीने बाद अमरावती में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है। आमदार रवि राणा साहब को इस व्यवसाय की बारीकियां मालूम है और हर आदमी उसके बारे में, यानी इवन जो आज उनके खिलाफ में लिख रहा है अमरावती मंडल, उसने भी लिखा था कि सिर्फ जगह का सीट नंबर बता दो तो वहां की जमीन कैसी है, वहां के भाव कैसे है, उसके बाजू में कौन है, इसके सामने कौन है, इधर कौन है, इतनी मुखाग्र जानकारी इस व्यवसाय के बारे में इतनी बारीकियां। आमदार रवि राणा को भी ये सारी जानकारियां थी, शायद 1 साल पहले भी ये जानकारी उन्हें होगी, करीब आज 18 से 20 महीने हो रहे हैं, बहुत जल्दी ही 2 साल पूरे हो जाएंगे हमारे आमदार साहब को। साल भर पहले भी ऐसा घोटाला होता है, ऐसा होता है, जानकारी होगी, फिर उन्होंने उस समय यह मामला क्यों नहीं उठाया? अब जबकि सामने कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है तो इसमें जनता का फायदा करना चाह रहे हैं, जनता का नुकसान करना चाह रहे हैं, बिल्डर लॉबी का नुकसान करना चाह रहे हैं, किसका फायदा? आखिर बहुत सारी चीजें कंफ्यूज। ठीक है, आप जनता के लिए, हर आदमी जनता के लिए ही काम करता है और हर आदमी गरीबों के लिए काम करता है, अमीरों के लिए, व्यापारी के लिए कोई काम नहीं करता। आप इसमें यह मामला पहले भी उठा सकते थे, जानकारी नहीं थी पहले आपको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके बारे में इस मामले में हर व्यक्ति बोलता कि आप, यानी हमारे बोलचाल की भाषा में, इस व्यवसाय के आप कीड़े हो, इतनी ज्यादा जानकारी आपको इस बारे में है। तो निश्चित साल भर पहले भी आपको जानकारी, आपने आज यह मुद्दा उठाया जबकि कॉर्पोरेशन इलेक्शन सर पर आ गया। निश्चित कहीं ना कहीं इसमें महत्व आने वाले चुनाव का भी होगा ही, नहीं होगा ऐसा नहीं है। तो हर मामला क्या चुनाव को देखकर ही उठाया जाता है या चुनाव के सामने ही उठाया जाता है? शायद पहले उठा लेते तो और कुछ होता, आज तक इसका रिजल्ट भी निकल जाता, जनता खुश भी हो जाती कि नहीं आपने अच्छा कार्य किया। ये मामला इलेक्शन के पहले निपटेगा नहीं निपटेगा किसको पता, अभी अब सारा मामला अधर में है। और रही व्यापारी की बात, यदि वह कहते हैं हम नियम के अंतर्गत है और हमने नियम में रहकर ही काम किया और उनके ऊपर सरकार ने अभी इसके व्यवहार पे, इसके इस पे बंदी ला दी है, व्यापारी वर्ग है सब लोगों से पूरी सलाह मशवरा करके काम करते हैं, कानूनी जानकारी भी लेते हैं पूरी सब कुछ उन्हें पता होता है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं कि वो एक टाइम पे सब तरफ देख नहीं सकते, व्यापारी होता ही ऐसा है। तो मेरा इन जो 150 से 200 की भीड़ लगाकर राव साहब शेखावत के यहां पर दबाव बनाने गए थे, क्या आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे इस सरकारी आदेश के खिलाफ? क्या सरकारी आदेश जो आपके खिलाफ आया वो आखिरी आदेश था, उसके लिए आपके पास कानूनी व्यवस्था नहीं थी, आपको न्याय मांगने के लिए जगह नहीं थी, आप कोर्ट के रास्ते जाते, 4 दिन बाद रिजल्ट आता, 10 दिन बाद रिजल्ट आता, लेकिन वो स्थायी रूप में रिजल्ट आपके पास में आता था, लेकिन आपने ये सब नहीं करते हुए आप राव साहब शेखावत के पास गए, चूंकि सामने इलेक्शन है, राव साहब शेखावत भी आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने कहा कि आज तक जो मामला हुआ वो जाने दो, इसका परिणाम आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा कि जो आज तक हुआ जाने दो। लेकिन आप अमरावती शहर के नहीं, व्यापारी हर जगह एक समझदार प्राणी में गिना जाता है, क्यों आप राव साहब शेखावत के पास गए, क्यों आपने कोर्ट का सहारा नहीं लिया, क्यों आपने कानून का सहारा नहीं लिया, क्यों आप खुद मंत्रालय नहीं गए, आप खुद भी सारे ये कार्य कर सकते थे, आपको इस मामले में, व्यावसायिक मामले में आमदार की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये
ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा आपके सामने। हो सकेगा जितने भी प्रतिनिधि है जो भी इस बारे में जवाब देना चाहे, हम सहर्ष उसका जवाब लेकर जनता तक दिखाएंगे कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए, कानून से आपने मदद क्यों नहीं ली, आपने न्यायपालिका पर क्या विश्वास नहीं था आपको, क्यों आपने उसकी शरण नहीं ली, क्यों आप आमदार के यहां गए। ये हो गई व्यापारी की बात, पेपर की बात पहले कर लिया मैंने, आमदार रविनारायण साहब की बताया, अब रही राव साहब शेखावत। राव साहब शेखावत के पास में जब ऐसा मुद्दा आया, चूंकि मुद्दा मंत्रालय से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है, एक प्रतिष्ठित आमदार ने उठाया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर इसमें है, धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो जरूर होगी। बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। तो राव साहब ने भी जब यह प्रक्रिया थी तो क्यों आए हुए लोगों को कानून की शरण में जाने की, न्यायपालिका की शरण में जाने की क्यों सलाह नहीं दी, क्यों आमदार रवि राणा को बोले कि यार तुम नहीं आए तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, क्यों ऐसे शब्दों का उपयोग करना पड़ा, क्यों आमदार रवि राणा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ये मामले को यही निपटा दो, कब तक आप लोग जनता को ऐसे ही समझाते रहोगे। चार लोगों ने मिलकर आपने फैसला ले लिया सारा का सारा, जनता को कुछ मालूम नहीं, जनता के अधिकार में कुछ नहीं है। आप भी बहुत अच्छी सलाह दे सकते थे उनको, आप कानून की शरण में जाइए, न्यायपालिका में जाइए, मंत्रालय में मुद्दा रखिए, मैं सामने आता हूं। पर नहीं, कानून है तो हमारे न्यायपालिका है ना, क्या न्यायपालिका से आपका भी विश्वास उठ गया, आप भी उनको सलाह नहीं दे सकते कि न्यायपालिका में जाकर आप न्याय लीजिए करके। आप लोग खुद समिति बनाए, समिति गठित किए, समिति बर्खास्त किए, कानून बनाए, कानून बर्खास्त किए, सब एक घंटे के इस एपिसोड में सारा का सारा आपने सब गठित कर लिया पूरा का पूरा। कहां तक सही है, इसका क्या आने वाले इलेक्शन पर, क्या हमारे यहाँ के रोजगार पर, क्या हमारे यहाँ के विकास पर निर्भर करेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ। यदि यह नियम नहीं है 10% जमीन छोड़ने का, और जो व्यापारी कह रहे सही है, तो आमदार रवि राणा ने बहुत बड़ी गलती की है इस मुद्दे को उठाकर। उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाकर ना ही जनता को परेशान करना चाहिए था, ना ही व्यापारी को परेशान करना चाहिए था, और ना ही खुद को ऐसा एक्सपोज करना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं है तो, यदि ऐसा है तो राव साहब शेखावत ने कि ऐसा मामला जाने दो बोलकर इस मामले को खत्म नहीं करना चाहिए था। दोनों भी है, दोनों में से आज एक आमदार को कहीं ना कहीं जब इसका रिजल्ट आएगा तो कुछ ना कुछ जरूर उसका अच्छा परिणाम हो बुरा परिणाम हो कुछ ना कुछ भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहुत सारी बातें आपसे की, बहुत सारा और भी इस अमरावती के बारे में कहना है, लेकिन शायद वक्त ऐसा है कि कितना कहूं क्या कहूं, हर तरफ जहां देखता हूं कुछ ना कुछ दिखता है बताने को, इतना बताने को कि मेरे पास समय कम पड़ता है। लेकिन इसलिए जाओ कि अब होता ऐसा कि किसी के पास में 10 काम रहे, ये काम करूं वो काम करूं वो काम करते करते कोई वह काम नहीं करता और आखिर में बैठ जाता। मेरी भी स्थिति ऐसी है कि अमरावती में इतना कुछ बताने को है कि ये बताऊं आपको, ये बताऊं ये बताऊं, ये सोचते सोचते आखिर में दिन पूरा बीत जाता है और मैं कुछ आपको बता नहीं पाता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि पूरा आसमान फटा पड़ा है। कहां कहां तक हम सीएंगे, कहां तक सीएंगे, और यह काम जिनका है वह इससे दूर है, फिर भी आपका साथ है, आपका सहयोग है, हम आपके साथ हैं। भविष्य में कोई भी चीज आपके पास में रही, कुछ भी ऐसा रहा, इस मामले में भी जो मैंने कहा, कुछ भी इस पे आपका आक्षेप हो, बोलना हो, सही हो गलत हो, जो भी हो, आप मुझे प्रतिक्रिया भेजिए। आप गलत भी कहेंगे, मुझे आपकी प्रतिक्रिया सहर्ष स्वीकार है। आपकी प्रतिक्रिया वैसी की वैसी, जैसी ही आप कहोगे वैसी की वैसी हम आपके सामने रखें। हम कभी किसी चीज की बात का काटते नहीं, एडिट नहीं करते। जो भी आप हमारे बारे में गलत भी सोचते होंगे तो आप हमें लिखिए, मुझे खुशी होगी कि कम से कम मुझे ये तो लगेगा कि आपने मुझे सुना है ध्यान से, जब भी तो आप गलत कह रहे हो। तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि इस प्रकरण में आप भी सामने आइए, क्योंकि हक आपका भी बनता है, नुकसान आपका भी हुआ है, हक आपका भी हुआ है। बस अंत में दो लाइनें
यहाँ के लिए नहीं पूरे भारत के लिए कहना चाहूंगा। दोहराई ना जा सकेगी अब दास्ताने घोटाला, दोहराई ना जा सकेगी अब दास्ताने घोटाला। कुछ वो कहीं से भूल गए, कुछ ये कहीं से भूल गए, कुछ वो कहीं से भूल गए, कुछ ये कहीं से भूल गए। नमस्कार।